गुड मॉर्निंग गाइस, और हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके हैं। और यार गोरखपुर में बहुत ज्यादा ठंड है यार। हम लोग बिल्कुल भी वूलन वाला कपड़ा ही लेकर के नहीं आए थे, क्योंकि इतना हमारे घर पर है ही नहीं ठंड जितना यहाँ है। और इस टाइम मैं रेलवे कॉलोनी में हूँ जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। सो अभी मतलब मेरे अंकल का घर है रेलवे कॉलोनी में, सो हम लोग वहीं रुके हुए हैं। सो अभी क्या हो रहा है कि नाश्ता वास्ता सब लोग कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर जाने वाले हैं गोरखनाथ मंदिर। सो वहाँ और उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वो मैं सब कुछ आपको शो करूंगी आज। गोरखनाथ मंदिर स्पेशली आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कहाँ है, कैसा है। सो अभी तक का तो ट्रिप बहुत अच्छा रहा, और राम भी अंदर हैं अभी, और एक हल्की हल्की सी धूप आ रही है, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं बाहर थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और देखिए व्यू यहाँ का कितना सुंदर है। सो अभी मैं नहा चुकी हूँ, मैंने कोई भी मतलब मेकअप नहीं है मेरे फेस पे। सो मैं अब जल्दी से जा करके बिल्कुल जब हम लोग रेडी हो जाएंगे जाने के लिए, मैं तब आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे हम लोग। सो ये थोड़ी देर में चलते हैं हम लोग घूमने, आप भी चलिए मेरे साथ में। गाइस तो हम लोग अभी मंदिर पहुँच चुके हैं। ये मंदिर है आई थिंक, इस मंदिर का नाम क्या है? गीता वाटिका में हम लोग पहुँच चुके हैं। गीतावाद का पहुंच गया। चलो कहाँ है मंदिर, चलो जल्दी आइए। ये रहे सब लोग, ये लोग फोटो खींच रहे हैं, और ये है राम। राम से मिलवाती हूँ आपको। राम राम शेयर कर देती हूँ। एंड काफी सुंदर, काफी प्रिटी मंदिर है। सो अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं।
लोग भी चलोगे? हाँ भैया बोलो आप लोग भी चलोगे? तो आ जाओ आओ आप लोग भी बोटिंग करो।